चाहते हो मल्टीपल अकाउंट से एयर ड्रॉप करके मेरी तरह या फिर दूसरे लोगों की तरह $5,000 $10,000 अर्न करने का, तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे आप लोग होगा ना ही आपका आईपी डिटेक्ट होगा ना ही आपका एड्रेस सिबिल पे जाएगा। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे आप लोग मल्टीपल अकाउंट से आप लोग एयर ड्रॉप परफॉर्म करके $5,000 से $10,000 इजिली अर्न कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैं खुद इधर क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल अकाउंट से मेरा जो जेके सिंह एयर ड्रॉप होगा मैं खुद इधर परफॉर्म कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे आप लोग मल्टीपल अकाउंट से एयर ड्रॉप परफॉर्म करके उससे $5,000 से लेकर $10,000 तक अर्न कर सकते हो और ना ही आपका आईपी ट्रैक होगा और ना ही आपका एड्रेस होगा और सिबिल में आएगा। एक ऐसा एंटी डिटेक्ट ब्राउजर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो अपकमिंग जो पोटेंशियल एयर ड्रॉप के बारे में आप लोग को बता देता हूं जिसको आप लोग को परफॉर्म करना है, जो आप लोग को आने वाले टाइम पे मैसिव आपको प्रॉफिट देके जाएगा। इसी एयर ड्रॉप को आप लोग को सिंपल से आने वाले टाइम पे परफॉर्म करना है ताकि आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले जैसे ये देख सकते हो लिनिया, मेटामास्क, जेके सिंह, लेयर जीरो, स्ट्रटनेट, स्क्रॉल और इधर बेस हो गया, उसके बाद ऑर्बिटर फाइनेंस, सिंह स्वॉप, जेटा चेन, इस तरीके से इतना सारा एयर ड्रॉप आप लोग इधर देखने के लिए मिल रहा होगा। और इस जो जितने भी एयर ड्रॉप आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है इस वाले चार्ट पे आप लोग के स्क्रीन पे, ये सारा आने वाले टाइम पे आप लोग को मैसिव प्रॉफिट दे सकता है। इस वाले जो आप लोग को सॉफ्टवेयर बताऊंगा ना, आप लोग क्या कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर के मदद से आप लोग जैसे कि एक अकाउंट से जेकेसिंग कर रहे थे ना, आप लोग उसी सेम सॉफ्टवेयर को यूज करके आप लोग 10, 20, 50 जेकेसिंग जो अकाउंट होगा उससे आप लोग परफॉर्म करके आपका जो एयर ड्रॉप अमाउंट होगा वो डबल ट्रिपल मल्टीपल अमाउंट आप लोग इधर कर सकते हो मल्टीपल अकाउंट से परफॉर्म करके। ना ही आपका आईपी डिटेक्ट होगा उसमें, ना ही आपका एड्रेस सिबिल में आएगा। जो आने वाले वक्त में आप लोगों को बता दूंगा कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करने, कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं सब कुछ इधर बता दूंगा। जैसे कि आप लोगों को बताऊंगा आने वाले टाइम पे 2024 में ही जो फर्स्ट क्वार्टर होगा या फिर 2024 के अंदर ही इधर जो बुल रन होगा जल्दी से जल्दी इधर स्टार्ट होने का, मतलब बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं हमारे क्रिप्टो मार्केट में वो सब लोग बोल रहे हैं कि 2024 में इधर जो बुल मार्केट होगा वो आ सकते हैं। तो आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर सॉफ्टवेयर आप लोग को बताऊंगा, उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप लोग को जो भी इधर पोटेंशियल एयर ड्रॉप दिख रहा होगा उसको आप लोग को मल्टीपल अकाउंट से परफॉर्म करना होगा। तो इधर आप लोग को बता दिया क्या यूज केस रहने वाला है, जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोग को बताऊंगा। तो जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसका नाम है मोर लॉगिन। जैसे कि देख सकते हो मैं उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उसमें इधर मैं लॉगिन कर चुका हूं। जैसे इस वेबसाइट के अंदर आओगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इसका कुछ इंटरफेस। तो इधर इसका जो यूज केस होता है उसके यूज केस पे आते हैं। सबसे पहले इधर इसका जो यूज केस होगा ऊपर में यूज केस पे जाऊंगा, यूज केस पे जाने के बाद इधर इसका क्या क्या यूज केस हो सकता है मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले इधर एफिलिएट मार्केटिंग में इसको आप यूज कर सकते हो, ई कॉमर्स के लिए इधर यूज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी जिसका मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने के लिए जैसे कि आप लोग एक अकाउंट से परफॉर्म करते हो कोई भी एड ऑफ, तो इधर आप लोग को इस सॉफ्टवेयर के यूज से आप लोग क्या कर सकते हो 100-200 अकाउंट से भी आप लोग क्या कर सकते हो कोई भी एड ऑफ टास्क आप लोग इधर कंप्लीट कर सकते हो। आप लोग का आईपी भी डिटेक्ट नहीं होगा, आपका एड्रेस सिबिल पे भी नहीं आएगा, वो भी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। इधर आप लोग मल्टीपल सोशल मीडिया जो हैंडल होता है उसको भी आप लोग इधर मैनेज कर सकते हो और इधर टिकटिंग वगैरह भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग आके इधर आप लोग इजिली चेक कर सकते हो। सबसे पहले इधर क्या करना पड़ेगा आप लोग को इधर सॉफ्टवेयर के यूज करने के लिए इधर साइन अप करना होगा। सिंपल से ऊपर साइन अप का बटन होगा, सिंपल से साइन अप पे क्लिक करना, साइन अप पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी डालना, पासवर्ड डालना, उसके बाद एक इनविटेशन कोड होगा जो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल से उसको डाल देना, डालने के बाद सिंपल सा साइन अप पे क्लिक कर देना। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा एक डाउनलोड का बटन, सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद सिंपल से आप लोग को क्या होगा इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे जाना, नीचे जाओगे तो इधर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज का बटन, सिंपल से इस पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आपका जो डाउनलोड होगा सिंपल से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है सिंपल से आपको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है जो सॉफ्टवेयर होगा उसको। सिंपल से इस जो सॉफ्टवेयर होगा कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मोर लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो सिंपल से सबसे पहले इस जो सॉफ्टवेयर होगा इसको सिंपल से हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर आप लोग को जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आपने इधर साइन अप किया था सेम ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू इधर आप लोग को जो आपका जो अकाउंट होगा उसको सिंपल से आपको लॉग इन करना है। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होगा इसको ओपन होने देते हैं,
ओपन होने के बाद आपको सिंपल से सेम ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू इधर आप लोग को लॉगिन करना है। जैसे कि मेरा इधर जो अकाउंट होगा ऑलरेडी लॉगिन है, क्योंकि मैंने पहले से इधर लॉगिन करके रखा था। इधर आप लोग को सबसे पहले लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को जो डैशबोर्ड होगा सॉफ्टवेयर का, कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे प्रोफाइल होगा उसको क्रिएट करना होगा, उसमें आप लोग को कुछ जो सेटिंग होगा उसको आप लोग को अच्छे से आप लोग को रेक्टिफाई करके आप लोग को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग का आईपी वगैरह कोई भी ट्रैक ना हो और आप इधर एयरड्रॉप से मतलब आप लोग डिस्क्वालीफाई ना हो सके। तो इसके लिए सिंपल से ऊपर आप लोग को सबसे पहले आपको एक जो प्रोफाइल होता है आपको इधर क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ओके पे क्लिक कर दो। सबसे पहले ओके पे क्लिक कर दो न्यू प्रोफाइल पे क्रिएट करने के बाद ही। तो इधर क्या होगा, आपका सक्सेसफुली एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इधर स्टार्ट के बाजू पे एक थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना। उसके बाद एडिट ब्राउजर प्रोफाइल, इस पर आप लोग को सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे सबसे पहले आके इधर आप लोग को ऊपर एक कोने पे साइड पे मिल जाएगा रिफ्रेश फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। सिंपल सा सबसे पहले आके रिफ्रेश फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग फिंगरप्रिंट होगा वो सिंपल सा आपका रिफ्रेश हो जाएगा करेंट ब्राउजर के ऊपर। जैसे रिफ्रेश हो जाता है उसको सिंपल सा सबसे पहले इधर ब्राउजर जो प्रोफाइल नेम होता है आप लोग ऐसे प्रोफाइल नेम देना, ताकि आप लोग जब भी इधर सर्च करने आओ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आए। जैसे कि मैं जेटके सिंह वन अकाउंट दे देता हूं, ताकि मेरा पता रहे कि इधर जेटके सिंह वन अकाउंट वाला ही इधर मेरा इधर ब्राउजर है। तो सिंपल से इस तरीके से आप लोग क्या करना, प्रोफाइल नेम डालना ताकि आप लोग को मदद हो। सिंपल से इधर क्रोम सिलेक्ट करना, विंडोज डिसेबल, इसको आप लोग को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। प्रोफाइल टैग आप लोग इधर डाल सकते हो। इधर जैसे कि मैं करता हूं एयरड्रॉप डाल देता हूं, ताकि मेरा इधर जब भी मैं फिल्टर में एयरड्रॉप डालू तो सिंपल सा मेरा जो ये जो प्रोफाइल होगा ब्राउजर प्रोफाइल होगा मेरे पास आ जाए। तो सिंपल सा डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आता है प्रॉक्सी सेटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इधर आप लोग आपके पास अगर प्रॉक्सी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल से इधर आप लोग कस्टम प्रॉक्सी सिलेक्ट करके नो प्रॉक्सी डायरेक्ट मोक सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा आपका लोकल आईपी एड्रेस के साथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होगा आपका उसके साथ इधर आपका जो प्रॉक्सी होगा सिंपल सा कनेक्ट होगा। अगर आपके पास इधर एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी रहेगा तो सिंपल सा यूज एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी पे क्लिक करना। जैसे कि मेरे पास बहुत सारा प्रॉक्सी पड़ा है तो मैं इधर यूज कर सकता हूं, तो इधर से आप लोग एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपल सा क्या कर सकते हो, कस्टम आरपीसी प्रॉक्सी पे क्लिक करके नो प्रॉक्सी मोड पे सिलेक्ट करके इधर आप लोग को मिल जाएगा बहुत सारा सर्वर। अगर आपके पास इधर मैनुअल कोई भी प्रॉक्सी पड़ा होगा आपके पास एक्स्ट्रा, इधर से आके आप लोग आपका जो मैनुअल प्रॉक्सी होगा सिंपल से इसको ऐड कर सकते हो। सिंपल से आपका सर्वर सिलेक्ट कर लेना, HTTP HTTPS जो भी आपका सर्वर होगा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जो प्रॉक्सी सर्वर का जो इन्फॉर्मेशन होता है आईपी एड्रेस या फिर पोर्ट नंबर सब कुछ इधर डाल के सिंपल से प्रॉक्सी डिटेक्शन पे क्लिक करना, आपका जो कस्टम प्रॉक्सी होगा सिंपल से इधर सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे मैं इधर नो प्रॉक्सी डायरेक्ट मोड, मेरा जो लोकल आईपी एड्रेस होगा उसका ही मैं इधर प्रॉक्सी यूज कर रहा हूं, तो आप लोग इधर यूज कर लेना। उसके बाद आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आना, नीचे जाओगे तो इधर आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू ब्राउजिंग द पेज यू ओपन लास्ट टाइम। जैसे कि नॉर्मल ब्राउजर क्रोम वगैरह या फिर कोई भी ब्राउजर आप लोग ओपन करते हो और उसके अंदर जाकर आप लोग कोई भी इधर लिंक वगैरह ओपन कर सकते हो, तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर आप लोग को कोई भी एक स्पेसिफिक वेब पेज को आप लोग को टारगेट करना है या फिर हिट करना है ओपन करने के बाद ही, तो आप लोग सिंपल से सेकंड वाला चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर क्या करता हूं, इधर jksingh.io जो वेब पेज होता है मैं उसको हिट करना चाहता हूं मेरा ओपन करने के बाद ही ब्राउजर को, तो सिंपल से इसको मैं डाल दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक वेब पेज नहीं ओपन करना है तो आप लोगों को ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे थर्ड वाला ऑप्शन पे आता है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप लोगों को कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है टाइम जोन, अगर आप लोग आपका आईपी एड्रेस के हिसाब से इधर टाइम जोन सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसको मैच आईपी पे क्लिक करना, नहीं तो आप लोग कस्टम पे सिलेक्ट करके इधर आप लोग कोई सा भी इधर बहुत सारे इधर टाइम जोन मिल जाएगा, कोई सा भी टाइम जोन आप लोग इधर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद WRTC वेब RTC जो होता है उसको आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हो या फिर जो डिसेबल भी कर सकते हो। सिंपल से इसको रिप्लेसमेंट रखने देते, आपका जो जियो लोकेशन इसको कंसोलेशन रख देना। उसके बाद आप लोग इधर चाहे तो इधर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, मैं इधर आईपी के थ्रू ही इधर मतलब रख दूंगा। अगर आप लोग कस्टम करना चाहते हो तो इंग्लिश वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं मैच आईपी कर देता हूं। उसके बाद आपका जो रिजोल्यूशन होता है स्क्रीन रिजोल्यूशन कौन सा रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा, तो आप लोग इधर फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। इधर आप लोग क्या कर सकते हो, इधर नीचे नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आओगे तो मीडिया डिवाइस इधर नॉइस इधर इसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे नीचे आओगे तो इधर आप लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा हार्डवेयर कंकरेंसी, इसको 4 को हटा के मैं 6 कर देता हूं, ताकि मेरा जो हार्डवेयर जो रन होगा ब्राउजर में वो अच्छे तरीके से रन हो सके। इधर डिवाइस स्टोरेज 8 GB रख देना, डू नॉट ट्रैक को इसको सिंपल से आप लोग को इनेबल कर देना, ताकि आपका जो ब्राउजर होता
है उसको आप लोग को ट्रैक ना कर पाए। और आपके हिसाब से इधर बहुत सारा इधर ऑप्शन मिल जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जिसमें आप लोगों को इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप लोगों का जो ब्राउजर होता है वो आपको ट्रैक ना कर पाए। एक एंटी डिटेक्ट सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोगों को मल्टीपल अकाउंट से आप लोग एयरड्रॉप टास्क जो होता है उसको आप लोग सिंपल से परफॉर्म कर सकते हो। जितना भी मैंने आप लोगों को जो प्रोसेस बताया सिंपल से कर लेना, स्टेप बाय स्टेप करने के बाद सिंपल से ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पे क्लिक कर दोगे आपका जो ब्राउजर प्रोफाइल होगा सक्सेसफुली इधर रेडी हो जाएगा। जैसे इधर सक्सेसफुली आपका ब्राउजर प्रोफाइल रेडी हो जाता है सक्सेसफुली आप लोग अभी के टाइम पे एयरड्रॉप करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इसको आप लोग को यूज करने के लिए सबसे मैं इधर दो इधर ब्राउजर क्रिएट कर लिया हूं आप लोग को दिखाने के लिए। जैसे कि एक है जेटकेसिंग वन, ऊपर है स्टार्टनेट वन। जैसे कि अभी करंट टाइम पे जो सक्सेसफुली जो एयरड्रॉप देने वाले हैं वो दो एयरड्रॉप का जो नाम होगा मैं आप लोग के सामने इधर रख दिया हूं ताकि मुझे मतलब याद हो सके कि कौन सा ब्राउजर पे कौन सा एयरड्रॉप मैंने किया था ताकि मुझे बाद में दिक्कत नहीं आए। तो इसी तरीके से आप लोग नेम सिलेक्ट करना ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आए। इसी तरीके से जैसे मैंने एक आप लोग को करके दिखाया जेटकेसिंग वन, इसी तरीके से आप लोग को न्यू प्रोफाइल पे क्रिएट कर करके आप लोग को मल्टीपल प्रोफाइल इधर से आप लोग को क्रिएट कर लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अब ये जो ब्राउजर होगा सक्सेसफुली हमने सेटिंग वगैरह सब कुछ कर दिया ताकि हम लोगों का जो आईपी होता है वो डिटेक्ट ना हो सके। तो आप इसको यूज कैसे करना है ब्राउजर को, सबसे पहले इधर आप लोग को मिल जाएगा एक स्टार्ट का बटन, सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक कर देना। सक्सेसफुली जो मोर लॉगिन वेबसाइट होगा सक्सेसफुली इसका खुद का ब्राउजर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको jetkasing.io, जैसे कि हम लोग एक स्पेसिफिक वेब पेज को इधर टारगेट किए थे सेम टू सेम उसी पेज को आप क्या होगा ऑटोमेटिकली आप लोग को रिडायरेक्ट कर देगा और आप लोग एक सेफ आईपी डिटेक्ट के अंदर इधर रन होगा आपका ब्राउजर, आपका आईपी वगैरह डिटेक्ट नहीं होगा। इधर आकर आपको सिंपल से क्या कर सकते हो, नेटवर्क पे जाके आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हो, इसका जो इकोसिस्टम होगा jetkasing का जिधर से आप लोग एयरड्रॉप करते हो उसको सिंपल सा इजीली परफॉर्म कर सकते हो और आर्ट करके सिंपल से आपका जो जो एयरड्रॉप होता है जो टास्क होता है वो आप लोग सिंपल से इजीली इधर कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल से मैं ए वाला ब्राउजर क्लोज कर देता हूं, सेम टू सेम मैं इधर स्टार्टनेट वाला भी एक ब्राउजर ओपन करके रखा था आप लोग को दिखाने के लिए, सेम ताकि दिखाऊं कि भाई एक साथ ओपन करने के बाद ये काम करता है। जितना इधर ब्राउजर प्रोफाइल इधर बनाना है आप लोग बना सकते हो और इधर आके आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हो, जितने अकाउंट से होता है इधर आप लोग मल्टीपल अकाउंट से इधर एयरड्रॉप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो इधर startnet.io जो पेज होता है वो सिंपल से डायरेक्ट और ऑटोमेटिकली इधर हिट हो गया। उसके बाद आके सिंपल से इधर इकोसिस्टम पे जाके आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हो, इधर startnet का जो एयरड्रॉप होता है और ये आपका जो टास्क होता है इजीली आके इधर आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो आप लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉक्सी सर्विस का, सिंपल से इस पे बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग को जब भी इधर आप लोग प्रोफाइल बना रहे थे इधर आप लोग को प्रॉक्सी का जरूरत हो रहा था, जैसे कि इधर आप लोग को क्या होगा अगर आप लोग को कोई भी इधर प्रॉक्सी इधर आप लोग को बाय करना पड़ेगा तो सिंपल से इधर जो प्लेटफॉर्म का जो प्रॉक्सी होता है ये लोग परचेस मतलब इधर सेल करते हैं। इधर प्लेटफॉर्म प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद परचेस प्रॉक्सी पे क्लिक करना, इधर आप लोग को मिल जाएगा परचेस प्रॉक्सी का ऑप्शन। सिंपल से इधर प्रॉक्सी टाइप इधर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर रेसिडेंशियल जो भी इधर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से इधर आप लोग को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा जो प्रॉक्सी का अमाउंट होता है। अगर आप लोग प्रॉक्सी बाय नहीं करोगे तो आपका जो आईपी होगा सिंपल से आपका लोकल आईपी के साथ असाइन हो जाएगा। इसको आप लोग को दूर करने के लिए आप लोग को वीपीएन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इधर इधर से आके आप लोग जो प्रॉक्सी होता है उसको सिंपल से परचेस कर सकते हो। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज एक्सटेंशन। आप लोगों को पता होगा एयरड्रॉप यूज करने के लिए हम लोग को बहुत सारा वॉलेट एक्सटेंशन का जरूरत पड़ता है जिसमें से सबसे पहले आता है मेटामास्क। मेटामास्क जो एक्सटेंशन होगा वो आपको यूज करना ही पड़ेगा तब भी आप लोग एयरड्रॉप परफॉर्म कर सकते हो। एक्सटेंशन ऐड करने के लिए सिंपल से ऊपर आप लोग को मिल जाएगा ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग अगर क्या कर सकते हो इधर एक्सटेंशन का जो URL होता है उसको आप लोग डायरेक्टली डाल सकते हो या फिर आप लोग इधर आप लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल ऐप स्टोर या फिर स्टोर पे जाकर सिंपल से क्या करेगा आपको डायरेक्टली एक स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा। क्रोम का जो वेब स्टोर होता है सिंपल से क्रोम का वेब स्टोर पे आके सिंपल से आपको क्या करना है मेटामास्क का जो एक्सटेंशन होगा उसको सिंपल से सर्च करके आप लोग सिंपल से ऐड कर सकते हो। मैं आप ऐड टू मोर लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, सक्सेसफुली ये जो एक्सटेंशन होगा मेरा मोर लॉगिन प्रोफाइल पे सिंपल से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद सिंपल से क्रॉस कर देना इसको, आपका जो मेटामास्क एक्सटेंशन होगा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये मेटामास्क एक्सटेंशन को आपको यूज करने के लिए सिंपल से ब्राउजर प्रोफाइल पे जाना, स्टार्ट पे क्लिक करना, आपका एक्सटेंशन पे क्लिक करना। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम वेट
करना, इधर आप लोग को जो एक्सटेंशन होगा सक्सेसफुली इधर आ जाएगा, जैसे कि ये दो एक्सटेंशन इधर आ रहा है। सिंपल सा एक्सटेंशन के भी बता दिया आप लोग को क्या क्या एक्सटेंशन इधर आप लोग को यूज करना है, इधर आप लोग कन्फिगर करके भी इधर आप लोग ब्राउजर प्रोफाइल पे भी आप लोग इधर जा सकते हो। उसके अलावा इधर आप लोग को मिल जाएगा फोर्थ नंबर पे एक आप लोग को टीम का ऑप्शन, टीम का ऑप्शन पे सिंपल से आप लोग को क्लिक करना है। टीम के ऑप्शन पे क्या इधर होगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, आपके दोस्त या फिर आपके पार्टनर को इधर आप लोग सिंपल से इनवाइट पे क्लिक करके आप लोग इनवाइट कर सकते हो, ताकि वो लोग भी ये जो डैशबोर्ड होगा उसका एक्सेस उनको मिल पाए, वो लोग भी आपके साथ जो एयरड्रॉप होगा जो आप लोग एयरड्रॉप करोगे उसका भी मजा वो लोग ले सके, और जो एयरड्रॉप टास्क होगा वो भी वो लोग कर सके। उसी के साथ साथ इधर हम लोग इधर जो मोड लॉग इन जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो हम लोग प्राइसिंग की तरफ आ जाते हैं, सिंपल सा प्राइसिंग पे आएंगे तो जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग भी पैसा पे नहीं कर सकते, इधर आप लोगों को फ्री वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को दो प्रोफाइल इधर आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपल से फ्री ट्रायल पे क्लिक करके आप लोग इसको यूज कर सकते हो, जिसमें आप लोग कोई भी पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं, इजिली आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हो। या फिर जिनको आप अगर मल्टीपल अकाउंट से एडअप करना है 10, 20, 50, 100 इधर आप लोग को मिल जाएगा प्रोफाइल इधर सिलेक्ट करने का ऑप्शन कस्टमाइज 10, 50, 150, 400 जितना हो सके, जितना आपको नीड है उसके हिसाब से इधर आप लोग क्या करना प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना है। यूजर आप लोग एक रखो, दो रखो, तीन रखो, चार रखो, आपके ऊपर होगा कि कितने यूजर को आप लोग इधर एक्सेस देना चाहते हो। 2-3 मैक्सिमम आप लोग देना चाहते हो दे सकते हो, प्रोफाइल जितना सिलेक्ट करना सिलेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हो, जितना अकाउंट होता है आप लोग इधर क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एयरड्रॉप टोकन होता है उसको आप लोग ग्रैब कर सकते हो। जितने मोर लॉगिन की तरफ से 1 मिलियन रिवॉर्ड पूल इधर रखा गया है, जिधर आप लोग इधर कह सकते हो इधर 1 मिलियन जो रिवॉर्ड पूल होता है उसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हो। सिंपल से नीचे नीचे जाओगे तो इधर आप लोग को मिल जाएगा एक ज्वाइन नाउ का बटन, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप लोग इधर कर सकते हो। उसी के अलावा इधर क्या होता है, इधर आप लोग को कॉस्ट सेंटर मिल जाता है, उसी के साथ साथ इधर ऑपरेशन लॉग मिल जाता है जिधर आप लोग क्या क्या काम किए हो सारा कुछ इधर डिटेल्स आप लोग को इधर मिल जाएगा कि कब लॉग इन किए थे, क्या क्या प्रॉक्सी डाले हो, ब्राउजर प्रोफाइल कौन सा क्रिएट किए थे, कौन सा डिलीट किए थे। उसी के साथ साथ रिसोर्स सेंटर पे आप लोग को अदर्स जो रिसोर्स होता है प्रॉक्सी रिसोर्स हो गया, अदर्स इनका जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोलैब होकर रखा है उन सब का डेटा आप लोग इधर से आकर रीड कर सकते हो। उसी के साथ साथ इधर आप लोग आपका प्लान देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मेरा प्लान ए है, सिंपल सा मैं इधर जो मेरा प्लान पे अगर रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इधर से आके आप लोग आपका जो प्लान होता है उसका आप लोग सिंपल सा 360 डेज, 180 डेज, 60 डेज के लिए भी इधर आप लोग रिन्यू कर सकते हो। इधर कूपन कोड के थ्रू इधर आप लोग का जो पेड अमाउंट होता है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो प्लान होगा सक्सेसफुली इधर आप लोग को दिख जाएगा। प्लान इधर कॉस्ट सेंटर पे भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं, इधर से भी आप लोग इधर रिन्यू कर सकते हो, या फिर आप लोग आपका जो पैकेज होता है सिंपल से इधर चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि आपका जितना भी प्रोफाइल रहेगा उसके हिसाब से आप लोग इधर प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो, तो जितने भी यूजर को आप लोग एक्सेस देना चाहते हो वो जो एक्सेस होता है आप लोग सिंपल से इधर डाल दो, डालने के बाद जितने दिन के लिए चाहिए वो सिंपल से डाल दो, डालने के बाद सिंपल सा आपको सिंपल से सबमिट पे क्लिक करना, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग इधर बहुत सारा मैसिव अमाउंट इधर पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। पेमेंट ऑप्शन में मिल जाने के बाद सिंपल से आप लोग को जो भी जिस भी आपको मेथड से पे करना है सिंपल से उसको चूज करो, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप लोग पे कर सकते हो। मेरे पास तो अभी इधर 29 डेज के लिए पैकेज है तो मुझे अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो आप लोग फ्री वाला मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। लोग ये जो बहुत ही एक प्रीमियम एक सॉफ्टवेयर है मोर लॉग इन, आप लोग इसको यूज करो, यूज करके मुझे कॉमेंट करके बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जरूर से यूज करना, कॉमेंट पे आप लोग बताना कैसा आप लोग को इस वीडियो को लगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूं, तो जरूर से एक लाइक कर देना वीडियो को।